रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो प्यारे बच्चों, आज अपने दुश्मनों को पहचानते हैं, क्योंकि दोस्त के साथ साथ दुश्मन की पहचान भी बहुत ज़रूरी है। क्या ऐसा तो नहीं है कि आप अपने दुश्मन खुद ही हैं? अब वैसे ये बात तो बहुत अजीब सी लगती है, लेकिन लोग कहते हैं कि वक्त दौलत है, वक्त जिंदगी है, इसको अकलमंदी से खर्च करो। तो कहीं ऐसा तो नहीं आप जो अपना कीमती वक्त है वो इस्तेमाल करने की बजाय उसको ज़ाया कर रहे हैं? जैसे अगर एक ही बोतल हो पानी की, तो आप उससे पाँव तो नहीं धोएंगे। बहुत सारी चीज़ें सबके पास बराबर नहीं, लेकिन हर रोज़ 24 घंटे का दिन सबको मिलता है, और हम वक्त जो है वो स्टोर नहीं कर सकते। उसको उसका इस्तेमाल अकलमंद तरीके से करना चाहिए। जो अकलमंद होता है वो उसका इस्तेमाल अच्छा करता है। तो क्या अभी तक आपने डिसाइड नहीं किया, अभी तक आपने फैसला नहीं किया कि आपने कौन से रास्ते पे चलना है? आपने अजमत के, मेहनत के, सच के रास्ते पे चलना है, या अभी तक आप वक्त का इंतजार कर रहे हैं? वक्त तो किसी का इंतजार नहीं करता। क्या आपने वक्त तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आपने अपनी जिंदगी का मकसद का तायुन नहीं किया, इसलिए आपके सारे निशाने जो हैं वो हदफ पे नहीं बैठ रहे। तो सबसे पहले तो अपनी तरजीहात तय करें कि आपके लिए अहम क्या है। क्या आपके रास्ते की रुकावट आपकी सुस्ती तो नहीं है? आप हर रोज कहते हैं कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, अभी तो टेस्ट में देर है, एग्जाम आने में देर है, फिर पढ़ना शुरू करूंगा। अपने कामयाब बनना चाहते हैं तो अपनी रूटीन को नमाजों की रूटीन के साथ जोड़ें, कि आप सुबह जल्दी उठने की आदत डालें, रात को जल्दी सोने की, क्योंकि सुबह अल्लाह ताला रिजक बांटता है, और रिजक खाली पैसे का नहीं होता, हर चीज का रिजक होता है। और अल्लाह से कनेक्ट होने के लिए अल्लाह की किताब को तर्जुमे से पढ़ने की आदत डालें, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को जानने के लिए हदीस और सीरत का मुतालिया करें। छोटी छोटी एक आध हदीस पढ़ लें। छोटी छोटी बातों का अच्छा इंतखाब हर रोज करना, उस पर कारबंद रहने से आपकी आदत अच्छी बन जाती हैं, जो आपको जिंदगी की शाहराह पे कामयाब बना देती हैं। तो प्यारे बच्चों, अपनी आदत आज ही से अच्छी बनाने की इब्तदा करो। तो हम अपने सबक की तरफ आते हैं, वॉवल्स कर रहे हैं, और उसमें हम लॉन्ग वॉवल्स कर रहे हैं। तो आज हम डबल ओ करेंगे, ओ ओ, ठीक है? तो अब आप इनको अल्फाज को देखें, लुक टू लर्न, से एंड देन राइट, ठीक है? तो सबसे पहले आप देखें कि सर्कल द डबल ओ वर्ड्स, के वो आगे एग्जांपल्स में वो वर्ड्स जिनमें डबल ओ है उनको एनसर्कल करें। बबलू इज एट द जू, बबलू जो है वो बच्चे का नाम है, और जू जो है वो चिड़ियाघर को कहते हैं। He finds a boy in green boots. बबलू ने तलाश किया एक लड़का जिसने सबज बूट पहने हुए थे। He eats lots of food. वो बहुत ज्यादा बेशुमार खुराक खाता है। तो यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करें। वैसे खुराक खाने का तरीका यह है कि अपनी जरूरत के मुताबिक खानी चाहिए। तो आप खुद से इनको लिखें, आप इसका जवाब देखें। बबलू नाम है, उसमें डबल ओ आता है, जू में डबल ओ आता है, बूट्स में और फूड में। तो आप रीऑर्डर द लेटर्स, राइट द वर्ड्स। आप ये पहले वर्ड्स पढ़ चुके हैं, इनको रीऑर्डर करना है। ये क्या है, आपको तस्वीर किसकी नजर आ रही है? शाबाश, मून। अब इनको मून के हिसाब से आपने इन लेटर्स को रीऑर्डर करना है। शाबाश, यहाँ पे वीडियो स्टॉप करें, कॉपी पेंसिल पे खुद लिखें। मून, तो हमें देखा था कि मून स्टार्ट होता है म डबल ओ एन, मून। अब इसके बाद ये क्या है, इसको भी आप पढ़ चुके हैं, इसको भी रीऑर्डर करें। ये है फूड, तो फूड के स्पेलिंग्स को रीऑर्डर करें। स्टॉप द वीडियो हियर, आप वीडियो को यहाँ पे रोकें और अपनी कॉपी पे लिखें, फिर उसके बाद इसका आंसर चेक करते हैं। शाबाश, ये है फूड, फूड, फूड उतनी खानी चाहिए जितनी पेट में जगह हो। ये क्या है, रूम। अब इसके वर्ड्स जो लेटर्स हैं इनको भी रीऑर्डर करें, रूम। वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करें और इनको रीऑर्डर करने के बाद फिर आगे इसका खुद से जवाब चेक करें। तो ये है रूम, रूम। देखें, आप भी अपने बेडरूम को नीट क्लीन रखिया करें। फिर ये है, ये क्या है, पूल, पानी के तालाब को पूल कहते हैं। इसके भी स्पेलिंग्स को रीऑर्डर करें। शाबाश, यहाँ पे वीडियो स्टॉप करें और उसके बाद आगे जाके जवाब चेक करें। तो ये है पूल, तालाब को या स्विमिंग पूल, तैराकी के तालाब को स्विमिंग पूल कहते हैं। अब ये कुछ नए वर्ड्स हैं, जैसे रूफ, रूफ, रूफ कहते हैं छत को, रूफ, इसमें भी लॉन्ग वॉवल्स हैं। फिर है फूल,
फूल कहते हैं बेवकूफ को, आपको पता है कि बेवकूफ वो होता है जो अपनी जिंदगी की दौलत वक्त को जाया करता है। फिर है रूट, रूट कहते हैं जड़ को। ईमान और आदात जो होती है ना, वो नजर नहीं आती किसी को, लेकिन जब आप कामयाब होते हैं तो जिस तरह दरख्त की जड़ें नजर नहीं आती, इसी तरह आदात भी नजर नहीं आती, कामयाबी सबको नजर आती है। तो अच्छी आदात अपनाएं। ये है ब्रूम, ब्रूम कहते हैं झाड़ू को, ब्रूम। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको सबक पसंद आया होगा। अपनी अच्छी आदात बनाएं, कामयाब इंसान बनें।